नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच चल रहा है। मैच के तीसरे दिन इंग्लिश टीम की बैटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि जिसे देखने वाला हर कोई कंफ्यूज हो गया। इस दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड के रूप में इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा। उस्मान ख्वाजा ने एक बेहतरीन डाइव लगाते हुए उनका कैच लपका, लेकिन यह कैच इतना अजीब हालात में लिया गया था कि इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मैच के तीसरे दिन स्टुअर्ट ब्रॉड 56 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट दिन का खेल खत्म होने से सिर्फ 7 ओवर पहले गिरा। उनका आउट होना काफी विवादास्पद रहा। 137.5 ओवर में पेट कमिंस की बॉल पर ब्रॉड ने एक ऊंचा शॉट लगाया, जिसके बाद वहां फील्डिंग कर रहे उस्मान ख्वाजा तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने डाइव लगाते हुए बॉल को जैसे तैसे लपक लिया। बॉल को कैच करने के दौरान वो उनके हाथ से छूटी भी, लेकिन इसके बाद भी ख्वाजा अपने कैच को लेकर पूरी तरह श्योर थे, जिसके बाद ग्राउंड अंपायर ने फैसले के लिए थर्ड अंपायर से मदद मांगी। थर्ड अंपायर ने फैसला लेने से पहले कई बार टीवी रिप्ले देखा। शुरू में बॉल फील्डर के हाथ में आई महसूस हुई, इसके बाद बॉल हाथ से छूटती दिखी, हालांकि उस वक्त वो हवा में ही थी। इसके बाद बॉल ख्वाजा की बॉडी के नीचे चली गई। इसके बाद भी अंपायर ने फील्डर की बात को माना और स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट दे दिया। आउट होने से पहले ब्रॉड ने 9वें विकेट के लिए कुक के साथ मिलकर 100 रन जोड़े।